हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोइना फैमिली फूड पर। आज की हमारी रेसिपी है मोमोज। आज हम आपको बताएंगे घर पर बिना स्टीमर के मोमोज कैसे हम स्टीम कर सकते हैं। काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं, बिना स्टीमर के हम मोमोज कैसे स्टीम करें। आप किसी भी भगोने या पतीले में या कढ़ाई में मोमोज स्टीम कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मोमोज बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोमोज का डो तैयार कर लेंगे। हमने डेढ़ कटोरी मैदा लिया है, हमने डाल दिया आधा कटोरी और डाल रही हूँ। एक चम्मच नमक डाल लेंगे, इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाल लेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हल्का हल्का पानी डाल के गूंथ लेंगे। नरम डो तैयार कर लेंगे। ऊपर से भी हल्का सा तेल लगा लेंगे। हमारा डो तैयार हो चुका है। अभी इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे ढककर। हम मोमो की फिलिंग तैयार कर लेंगे। 50 ग्राम हमने गाजर ले लिया है, 50 ग्राम हमने पत्ता गोभी ले लिया है, एक शिमला मिर्च ले लिया, एक बड़ा प्याज ले लिया और लहसुन लिया है थोड़ा सा और थोड़ी सी हरी मिर्च लिया। 50 ग्राम हमने पनीर लिया और 50 ग्राम ही हमने सोयाबीन लिए हैं। हमने एक कढ़ाई लिया, उसमें 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे। सबसे पहले हम प्याज डाल लेंगे बारीक कटा हुआ और हल्का सा सुनहरा कर लेंगे। अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल लेंगे, पत्ता गोभी डाल लेंगे और गाजर भी डाल लेंगे और अच्छे से चला लेंगे। इन सब्जियों को थोड़ा थोड़ा पका लेंगे। हरी मिर्च और लहसुन डाल लेंगे। हमारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी पक चुकी हैं। अब इसमें हम सोयाबीन ऐड कर लेंगे। सोयाबीन को हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। अब इसमें हम पनीर डाल लेंगे। आधा छोटा चम्मच हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। एक चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे। एक चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे। एक चम्मच हम चाट मसाला डाल देंगे। हम स्वाद अनुसार डाल लेंगे। आधा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे और आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। और मसालों को मिक्स कर लेंगे। एक बड़े चम्मच के बराबर हम सोया सॉस डाल लेंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। हमारी फिलिंग बनकर तैयार है। हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। अब हम एक बड़ी सी रोटी बना के भी उसमें कटर से काट सकते हैं। अब हम इन्हें बेल लेंगे। अब हमने सारी छोटी छोटी पूरियां बेल ली है। अब हम इनमें फिलिंग भर लेंगे। आप किसी भी तरीके से बना सकते हो जो आपको पसंद हो। हम इसको दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। मोमोज भी ऐसे ही बना लेंगे।
हमारे मोमोज बनकर तैयार हैं। अब हम इन्हें स्टीम कर लेंगे। हमने कढ़ाई में एक गिलास पानी रख लिया है। पानी हम इतना रखेंगे हमारे छेद वाले बर्तन के साथ उबल के टच ना हो। अब हम छेद वाले बर्तन में ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारे मोमोज इसमें नीचे चिपके ना। अब इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। अब इसमें हम अपने मोमोज रख लेंगे स्टीम होने के लिए। हम उतने ही मोमोज रखेंगे जितने एक बार में आ जाएंगे। और इन पर ऊपर से तेल लगा लेंगे। अब इन्हें ढक देंगे स्टीम होने के लिए। 5 मिनट मीडियम गैस पे स्टीम होने देंगे। जब तक ये स्टीम हो रहे हैं जब तक हम मोमोज की चटनी तैयार कर लेंगे। 8 मिर्च ले लिए और 4-5 लहसुन की कलियां ले लिया और उसी में हम 1 टमाटर ले लेंगे और इन्हें उबाल लेंगे। टमाटर में ऐसे कट लगा लेंगे ताकि इसका छिलका अच्छे से उतर जाए और इन्हें उबाल लेंगे। मिर्च और टमाटर को 2 मिनट उबाल लेंगे और फिर इसे मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। अब ये उबल चुके हैं। अब मिक्सी ग्राइंडर में डाल लेंगे और पेस्ट बना लेंगे। टमाटर का छिलका निकाल लेंगे। 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल लेंगे, 1 छोटा चम्मच। मोमोज की लाल चटनी बनकर तैयार है। हम इसे कांच की कटोरी में निकाल लेंगे। अब हमारे मोमोज भी बनकर तैयार है। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। आज की हमारी चटपटी चटनी और मोमोज बनकर एकदम तैयार है और खाने के लिए रेडी। मैं तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से। गरम हो रहे हैं एकदम।